चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी क्लास GFRS केस स्टडी 10 के ऊपर है। केस स्टडी 10, चलिए आइए शुरू करते हैं। सारे के सारे इसके क्वेश्चन डिस्कस करना। यहाँ से कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। ओके, आउटस्टैंडिंग इश्यूज यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है एक एक करके सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर XYZ परचेज्ड 1,102,00,000 ऑफ स्पेशलिस्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, डॉलर्स में खरीदा है, ध्यान देंगे, डॉलर्स में खरीदा है आप लोगों ने। फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी परचेज टुक प्लेस वॉज रिकोगनाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 1 December 2001। गुड इवनिंग अरुणा जी। व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 65 रुपीज़। 65 रुपीज़। द सप्लायर हैज़ प्रोवाइडेड XYZ 6 month इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिला है 6 महीने का। रिपोर्टिंग डेट पे रेट 66 का था। आप मुझे बताएंगे कि रॉ मटेरियल कितने पे हमारे बुक्स में दिखेगा। 60% मटेरियल अभी भी आपके पास पड़ा है, इनका कहना है 60% मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारे बुक्स में जो 60% है, 60% ये कितने पे दिख रहा है आपको? 6 month क्रेडिट मिला था, मतलब इसका पेमेंट तो अभी तक के नहीं किया गया है। सिंपल कहानी है, ठीक है, इसका पेमेंट अभी तक के नहीं किया गया है। तो ये आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पे क्रेडिटर्स कितने के दिख रहे हैं, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए। परचेसेस में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे बुक्स में कितने की दिख रही है और क्रेडिटर्स हमारे बुक्स में कितने के दिख रहे हैं, फटाफट। चलिए सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। 60% इज स्टिल इन इन्वेंट्री। हाँ, 40% बिक गया है, 60% इज स्टिल इन इन्वेंट्री। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो रॉ मटेरियल रहेगा 102 लाख डॉलर्स, 65 के रेट से 60%, ठीक है, और क्रेडिटर्स दिखेंगे बुक्स में 102 लाख मल्टीप्लाइड बाय 66 के रेट से, 66 के रेट से, क्योंकि क्लोजिंग रेट वही था 6732। वेरी गुड अरुणा जी। अर्जुन जी, आपने शायद पूरा का पूरा ही वैल्यूएशन कर दिया, सिर्फ 60% स्टॉक में है, मैंने उसके बेसिस पे पूछा था, ठीक है, तो बता देंगे। रफली अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की बात करूँ तो 1 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ही हम लोगों को दिख रहा है, 1 रुपये का। सर, शुड पेपर वन स्टूडेंट्स ऑल्सो वॉच GFRS वीडियो? जी नहीं जी, मैंने क्या किया है, करीब 30 GFRS की केस स्टडीज़ है, मैंने इनको 15-15 में स्प्लिट कर दिया है। मैं पहले वो केस स्टडीज़ करा रहा हूँ जो FR के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन FR के स्टूडेंट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो केस स्टडीज़ बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, पहले मैं वो करवा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। पर अगर आप बोलोगे क्या कंपलसरी देखना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी इसीलिए करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है, देखना चाहते हैं तो साथ में देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड किरण जी। तो 3978 के ऊपर आपकी इन्वेंट्री दिखेगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कुछ 102 लाख का आएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस आएगा 102 लाख का। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। XYZ ऑफर्स वारंटी टू नंबर ऑफ स्मॉल साइज सप्लायर्स, टू स्मॉलर साइज सप्लाई ओनली टर्बाइंस। तो आप वारंटी देते हैं टर्बाइंस में, टर्बाइंस कम विथ वारंटी एंड इज नॉट सोल्ड सेपरेटली, तो वारंटी सेपरेटली सेल नहीं होती है, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है। XYZ इज देयरफॉर मेड अ प्रोविजन ऑफ 5,10,000। This represents 2% of the total gross margin on the class of sales for the year ending 31st March 2002. 31st March 2002 year end है, अपना year end कब है ये ऊपर दिया हुआ नहीं था, पर इन्होंने बोला है कि 31st March 2002 को क्या हुआ था, हमने 5,10,000 का प्रोविजन बनाया था, ये प्रोविजन कहाँ से कैलकुलेट हुआ, ये 2% है ऑफ टोटल ग्रॉस मार्जिन, रेवेन्यू नहीं बोला है, टोटल ग्रॉस मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट का 2%, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 30% है, तो थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन है, थोड़ा मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को कि आपने प्रोविजन बनाया था 5,10,000 का, ये 5,10,000 2% है ग्रॉस मार्जिन का, और ग्रॉस मार्जिन है 30%, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन है 30%, तो सेल्स कितना था, सेल्स कितना था लास्ट ईयर, जरा कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए जरा, अगर आप बता सके तो, अगर पॉसिबल है तो बताइए जरा, ट्राई कीजिए, सेल्स कितना है। 5,10,000 आपने प्रोविजन किया था, दिस वॉज
2% ऑफ मार्जिन, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं 255 लाख का ग्रॉस मार्जिन था। तो गौरी जी का आंसर रेडी है 850, यानी सेल्स कितना रहा होगा 255 डिवाइडेड बाय 30%। क्या बात है, वेरी गुड गौरी जी, 850 लाख का सेल रहा होगा। इन द पास्ट 2% ऑफ दीज टर्बाइंस हैव बीन वैलिडली रिटर्न ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, और ये वैलिडली रिटर्न भी हुए हैं। एक्स वाई जेड प्रोवाइड्स फुल रिफंड ऑन रिटर्न ऑफ फॉल्टी टर्बाइन, अगर फॉल्टी टर्बाइन है तो हम पूरा का पूरा रिफंड कर देते हैं अमाउंट, ठीक है, विच इज देन स्क्रैप्ड। द वारंटी कवर्स एनी प्रॉब्लम दैट अकर्स इन द टर्बाइन इन द फर्स्ट 6 months ऑफ सेल एंड द सेल्स हैव अकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब अगर आप ये पढ़ते हैं, अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये पढ़ के आपको क्या समझ में आता है कि अब पूरा 850 लाख का सेल दिखाना सही था क्या? जो आखिरी अगली वाली लाइन है उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देता है और ये जो आपकी वारंटी वाले प्रोडक्ट है इसको हमें स्क्रैप आउट कर देना पड़ता है, स्क्रैप आउट कर देना पड़ता है, ठीक है। और पास्ट का ये एक्सपीरियंस रहा है कि 2% वैलिड रिटर्न्स आए हैं, मतलब ये 2% वालों को हमने पैसे लौटाए हैं, ये समझ में आता है कि 2% वालों को पैसे लौटाए हैं आपने, है ना। तो क्या ये पूरा का पूरा सेल दिखाना सही था क्या? मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख देता हूँ जो कि 70% होता है, है ना, 595 लाख्स। तो ये पूरा सेल दिखाना सही था क्या? अर्जुन जी ने सेल, हाँ ठीक है बराबर, आप लोगों ने फिगर्स तो सही निकाले हैं। अरुणा जी ये 130789 क्या है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है अरुणा जी, 130789 कहाँ से आया? हाँ तो गौरी जी ने कहा है कि नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। देखो अगर आपको पता है कि आपको पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं तो वारंटी की बात थोड़ी हुई है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की जैसी कहानी होगी एक तरह से देखा जाए तो आप पूरा सेल मत दिखाइए, आप 98% ही सेल दिखाइए, ठीक है। किरण जी का भी वही कहना है, आप पूरा सेल मत दिखाइए, आप सेल दिखाइए 98% का, ठीक है, 98% जो कि होता है 833 लाख। तो सीधी बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उतना ही दिखेगा, 595 का 98% होता है 583.1, है ना। बाकी का इन्वेंट्री में दिखेगा, बाकी का इन्वेंट्री में दिखेगा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 11.9 लाख। अब कस्टमर तो आपको पूरा का पूरा पैसा दे रहा है तो मैं एक जर्नल एंट्री बता देता हूं आपको, कैश 850 लाख टू सेल्स 833 लाख टू कस्टमर लायबिलिटी 17 लाख। समझ में आया, बताइए 4.25 का 30% का 2%, कुछ गड़बड़ हुई अर्जुन जी, आपने रिवर्स कैलकुलेशन करना था, हाँ ओके अरुणा जी, कोई नहीं कोई, चल आई होप इट इज़ क्लियर टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक के सब लोगों को समझ गया होगा। किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना, मैंने जर्नल एंट्री के साथ आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है कि किस तरह से अकाउंटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार Jan 21 के पेपर में जर्नल एंट्रीज पूछ ली गई थी और इसी प्रकार का कुत्तों एक क्वेश्चन था जिसमें जर्नल एंट्री स्टूडेंट ने गलत दे दी थी, मतलब वहाँ डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल था तो जर्नल एंट्री गलत दे दी थी स्टूडेंट्स ने, इसलिए मैं जर्नल एंट्री भी साथ साथ में बता दे रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, अगला वाला देखते हैं, थर्ड वाला। ड्यूरिंग द ईयर एक्स वाई जेड कंप्लीटेड फर्स्ट सप्लाई ऑफ सप्लाई एंड मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला वाला, टर्बाइन्स वर सप्लाइड ऑपरेशनल ऑन 31 मार्च 2002, सप्लाई एंड मेंटेनेंस है, ठीक है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 crore 91 lakh rupees, 391 lakh rupees का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इफ द टर्बाइन्स आर डिलीवर्ड ऑन फिट ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फिट ओनली यानी विदाउट मेंटेनेंस, 340 lakh में होता है वो, 340 lakh, और मेंटेनेंस सिमिलर साइज का 17 lakh पर एनम होता है, 17 lakh पर एनम। ऊपर आपका मेंटेनेंस 5 साल का है, ठीक है ना, आपने क्या दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है सप्लाई यानी सेल एंड मेंटेनेंस 5 साल, मेंटेनेंस 5 साल। सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मेंटेनेंस 340 lakhs का होता है, यानी ओनली सप्लाई और मेंटेनेंस 17 lakh पर एनम। तो मुझे बताइए कि क्या स्प्लिट होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितने हैं, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, फटाफट निकाल के बताइए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितने हैं और हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, फटाफट निकालेंगे।
अरुणा जी 3 साल का है, 5 साल है, 5 साल लिखा है ना, 3 साल नहीं लिखा है, 5 साल, 5 साल, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये अर्जुन जी का, कहना है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, एक सप्लाई एक मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के 5 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, देखा जाए तो 6 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया एक तरह से, पर ठीक है अपन ऐसा एक्सेप्ट करेंगे कि सप्लाई एक मेंटेनेंस एक, ठीक है 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बढ़िया। तो रफली इतने पूरे का 425 होना चाहिए, पर आपने तो 391 का ही कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 34 का क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्राइस कम हुआ 34, इसका क्या करेंगे हम लोग, फटाफट निकाल के बताइए सप्लाई का ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होना चाहिए, किस किस का ट्रांजैक्शन प्राइस कितना होना चाहिए वो भी निकालिए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, चलिए सभी लोग। क्या बात है, वेरी गुड किरण जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बार एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले ही मुझे डाउट पूछा था, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये पॉइंट रख देता हूँ कि क्या हुआ, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है। अब आप बोलोगे कि सर ये पैसे तो पूरे अभी मिल गए, 391 लाख है ना, पैसे तो पूरे के पूरे अभी मिल गए, और आप मेंटेनेंस 5 साल तक दोगे, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ गया, मतलब इंटरेस्ट एलिमेंट भी एलिमिनेट करना चाहिए आपने, देखा जाए तो इंटरेस्ट एलिमेंट भी एलिमिनेट करना चाहिए। देखिए क्या होता है, उसके अंदर में भी सिग्निफिक फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाले कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है, एक सिक्योरिटी करके कंसेप्ट है, मतलब ये पैसे आपने लिए हैं फॉर रीजंस अदर देन फाइनेंसिंग, मतलब सिक्योरिटी रीजंस है, मतलब कोई तो ऐसा रीजन है आपको लगता है नहीं यार बाद में सामने वाला पैसा नहीं देगा, तो जहां डाउट रहता है वहां एडवांस में पैसे ले लिए जाते हैं, जैसे 3 साल की एक्सीडेंटल वारंटी एचपी लैपटॉप देता है, पूरे पैसे एडवांस में ले लेता है, इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं माना जाता, तो यहां पे भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, इधर भी हम सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे, ये बात सब लोग ध्यान में रखेंगे। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट आंसर सही निकाला है, अरुणा जी 27.2, अच्छा आपने डिस्काउंट का अमाउंट लिखा है, वेरी गुड दिव्या जी, गौरी जी, अर्जुन जी, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड अरुणा जी, तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा आंसर, क्या बात है, ये इमीडिएट रिकग्नाइज होगा और ये 5 साल में इक्वली अपोर्शन करके हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। अच्छा चलिए अर्जुन जी अब क्लियर होगा आपको भी, फिर तो अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं फोर्थ वाले की। गिवन द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड एक्स वाई जेड मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ की एम्प्लॉइज लीविंग, आपको लग रहा है कि की एम्प्लॉइज छोड़ के जा सकते हैं, विद दिस इन माइंड एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस अ शेयर ऑप्शन स्कीम ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है 1 अप्रैल 2020 को लाया गया था ऑप्शन स्कीम, ये ध्यान रखिए, अभी हम शायद 31 मार्च 2002 में है, ठीक है 500 एम्प्लॉइज एलिजिबल है स्कीम के लिए, हर एक को 300 ऑप्शंस देंगे, वो परचेज कर सकते हैं 35 रुपीज में परचेज कर सकते हैं, ठीक है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 9.01, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 9.01, ठीक है ऑप्शन वेस्ट होंगे 31 मार्च 2023, 3 साल, 3 साल हो रहे हैं है ना, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, इफ दे कंटिन्यू टू वर्क 31 मार्च 2001, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 495 एम्प्लॉइज स्टिल इन एम्प्लॉयमेंट थे, पर 480 एक्सपेक्टेड थे, 480 एक्सपेक्टेड थे, ठीक है कि ऑप्शन यानी एंड तक पूरे 3 साल काम करेंगे, एक्स वाई जेड शेयर प्राइस ऑन 31 मार्च 35.7 था, फिर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 9.18, तो ये लाइन हम लोग कभी कंसिडर नहीं करते हैं, ये हमने आज इससे पहले भी हम लोगों ने एक GFRS का वीडियो किया था उसके अंदर भी ये डिस्कस किया था है ना, बाय 31 मार्च 2022 यानी इस साल के एंड तक 490 एम्प्लॉइज रह गए और 475 एक्सपेक्टेड है कि उनको वेस्ट होगा, इसके आगे का प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप मुझे ये बताएंगे लास्ट ईयर हमने कितना ईसॉप का एक्सपेंस बुक किया था और इस साल कितना करेंगे, लास्ट ईयर कितना किया था और इस साल कितना करेंगे, ठीक है कल का ही आई थिंक क्वेश्चन 102 पे था, अभी वापस हम लोग 102 पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मुझे बताइए लास्ट ईयर मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूरे के पूरे मार्क कर दिए हैं रेड पेन से, आप लोगों को दिख भी रहे होंगे आई बिलीव, तो इनमें से कौन कौन सा, मतलब लास्ट ईयर आपने ईसॉप के हिसाब से कितना एक्सपेंस बुक किया और करंट ईयर में कितना, फटाफट निकाल के बताएंगे, ठीक है आपको बताया गया है कि कंपनी में 500 एम्प्लॉइज है, 300 ऑप्शंस है, लास्ट ईयर 495 एम्प्लॉइज एक्चुअल रह गए थे, 480 एक्सपेक्टेड थे कि एक्साइज करेंगे, 490 एक्चुअल इस साल के एंड में रह गए हैं, 475 एक्सपेक्टेड है कि इस साल ऑप्शन एक्साइज करेंगे, बाकी फेयर वैल्यू चेंजेस पूरे तरीके से हम लोगों ने इररेलेवेंट कर दिया था, तो फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, चलिए लास्ट ईयर कितना और इस साल कितना,
और आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स अगर सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में होंगे उन्हें बता दीजिएगा। वैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट से ही पूरे वीडियोस फ्री डाल दिए थे, मैं ये अटेम्प्ट में नहीं किया है। उन लोगों के सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री है डिटेल डिस्कशन के साथ, कंसोलिडेशन अमलगमेशन एक एक वीडियो 8-8, 9-9 घंटे का है। कोई भी आपका फ्रेंड अगर सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में होगा बता दीजिएगा, हमारे चैनल में पूरे वीडियोज फ्री अवेलेबल है सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस के। चलो तो लास्ट ईयर के एम्प्लॉयज़ हम लोग लेंगे 480 मल्टीप्लाइड बाय कितने ऑप्शंस निकाले हमने, 300 ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। लास्ट ईयर कितना निकाला था हमने, 9.01। तो ये एक्सपेंस लास्ट ईयर बुक हुआ था। फोर लाख थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी। गौरी जी ने भी यही आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, करंट ईयर थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, अरे यार यहां भी हमने यूज कर लिया है, यहां लिख लेता हूं 475 मल्टीप्लाइड बाय 300 ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 माइनस 4,32,480। फोर सेवेंटी, बहुत बढ़िया गौरी जी, वेरी गुड। अर्जुन जी कुछ तो गड़बड़ हुआ सेकेंड ईयर रिजर्व्स में आपका, फर्स्ट ईयर भी बहुत, आपका अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, मैंने कुछ गलती किया क्या? वैसे गौरी जी का भी आंसर सेम है तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर सही होगा, अरुणा जी का भी सेम है, किरण जी का भी आंसर सेम है, अर्जुन जी आपने कुछ तो भी गड़बड़ की है, ठीक है एक बार चेक कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 5। XYZ revaluation surplus relates to manufacturing of property. Property is leased for 40 years. 40 साल का लीज है, 31st March 2022 the carrying amount is 9 crore 60 lakh. तो XYZ का revaluation surplus एक manufacturing property के लिए, ये property leased है 40 साल के लिए, 40 years remaining है, ठीक है, carrying amount 9 crore 60 lakh है, 24 lakh rupees का depreciation has been charged टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, COGS, ठीक है। ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टी द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31st March वॉज जज टू बी 8 crore 40 lakhs। तो कैरिंग वैल्यू 960 है विद 24 lakh डेप्रिसिएशन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर मैं 960 को ग्रॉस ब्लॉक बोल दूं तो ग्रॉस ब्लॉक में से 24 lakh रुपीज रिड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है, ये बात थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से 960 ग्रॉस ब्लॉक है और 24 लाख उसमें से माइनस होना चाहिए, यानी हमारे बुक्स में कितना दिख रहा था एसेट का वैल्यू, मैं ये बता देता हूँ आपको, 960 लाख, इसमें 24 लाख लेस हो जाएगा तो 936 लाख रुपीज़ की वैल्यू दिख रही है। और आप बोल रहे हो कि यार ये जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू सिर्फ 840 लाख रुपीज़ अवेलेबल है, यानी 840 लाख रुपीज़ का फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, फटाफट बताइए जो भी ठीक लगे आप लोगों को, मैंने कुछ पूछ भी नहीं रहा, मैं बता भी नहीं रहा, आप लोगों को जो ठीक लगे आप मुझे उसके हिसाब से बताइए कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओवर हियर, क्या करना चाहिए हमने इसका। अब इन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड का एक रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो नीचे हमको बैलेंस शीट दी हुई है, एक्स वाई जेड का रीवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा है 10.2, ये ध्यान दीजिएगा 10.2, क्या बात है, वेरी गुड अर्जुन जी। अर्जुन जी का कहना है इंपेयरमेंट लॉस 96 बुक होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 37.4, ठीक, तो 96 लाख रुपीज़ का इंपेयरमेंट बुक होना चाहिए। अब उनका कहना है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस इसी से रिलेटेड है, तो सीधी बात है 10.2 का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिड्यूस हो जाना चाहिए उसमें से, 10.2 एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, ये डिक्लेयर हो गया है, आप श्योर हैं मानवेरा जी, और किसी को इसके बारे में कुछ खबर है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, फ्रॉम रिवैल्यूड अमाउंट 10.2 एंड एक्सेस फ्रॉम पीएल, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, 10.2 रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करेंगे और पीएल में बाकी का डिफरेंस डाल देंगे,
85.8 लाख्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पोस्टपोनमेंट डिक्लेयर हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ डेट्स वेट्स आई है, कुछ डेट्स आई है इससे रिलेटेड? विल बी इन्फॉर्म्ड विद 25 डेज प्रायर नोटिस। अरे बाप रे, तो ये तो अब सोचने वाली बात है। 25 डेज प्रायर नोटिस मतलब अब ये तो क्लियर है कि एग्जाम एटलीस्ट मई महीने में नहीं हो रही है, तो एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ऑलमोस्ट। आप जून तो पकड़ के चलिए, और जून में भी लास्ट वीक के अंदर में रफली एग्जाम्स होगी। चलिए ठीक है, अगर एग्जाम पोस्टपोन हुई है तो कोई बात नहीं, हम लोग एफआर की तैयारी और ज़्यादा मतलब मैं वापस से कुछ तो डिक्लेयर करके फर्दर करूंगा। अब मैं एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी स्टूडेंट्स एफआर के हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स एफ आर दे रहे हैं, वो लोग ये वीडियोस जीएफआरएस के अटेंड कीजिए, आप लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में रहेगी। एटलीस्ट हमने जो एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया, वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, वो बिगड़ेगा नहीं। क्या होगा, एकदम से पढ़ाई छूट जाएगी, एक महीने का हमारा प्लान सीधा सीधा अब एक्सटेंड हो गया, यानी जो आप लोगों ने पहले सोचा था वो रफली प्लान एक्सटेंड हो गया है। तो वीडियोज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस। अब तो मैं हर एफआर के स्टूडेंट को रादर बोलूंगा कि ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है? चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। तो जिसने भी कहा है, अब बस ये एक रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों से, भाई एफआर के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो ये वीडियोस को आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो यहाँ तक के हम लोगों ने जो भी पढ़ाई है, यहाँ तक के एफआर के स्टूडेंट्स के लिए काम का था। अब इसके आगे मैं जीएफआरएस कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसके आगे मैं आप लोगों को बोलूँगा, धन्यवाद एबी जी, इसके आगे मैं बोलूँगा अब एफआर वालों को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, अब इसके आगे जीएफआरएस वाले स्टूडेंट्स कंटिन्यू करें, क्योंकि अब हम लोगों को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएल की बात करना है। ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट्स हुए थे, वो सारे एडजस्टमेंट मैं नीचे पीएल और बैलेंस शीट में कराऊंगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एफआर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जीएफआरएस वालों के काम का है। तो आप ये 5 पॉइंट मुझे बेसिकली एफआर के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करना था। अब आप लोग ये वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है? हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ बिकॉज द एग्जाम्स आर पोस्टपोन, वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग जीएफआरएस के स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने रफली 5 एडजस्टमेंट्स किए, और हर एडजस्टमेंट का अब हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर में इम्पैक्ट समझना पड़ेगा कि इम्पैक्ट क्या लेना था, ठीक है? अब इन्होंने ऊपर क्या लिखा है उसको समझिए। जनरल मैनेजर गिव्स यू अ कॉपी ऑफ लेटेस्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आगे दिया हुआ था, अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज एंड आउटस्टैंडिंग इशूज दैट आर नीडेड टू बी एडजस्टेड। मतलब ये एडजस्टमेंट्स अभी हमने नहीं किए हैं, हमें करना है, हमें करना है, ये एडजस्टमेंट्स अभी तक के हुए नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला वाला एडजस्टमेंट था, हम लोगों ने रॉ मटेरियल के बारे में लिखा था, जिसमें फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की बात हुई थी, है ना? तो 31 मार्च मटेरियल परचेज, तो सीधी बात है हम लोगों को ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का एडजस्टमेंट करना है, कुछ 102 लाख का। इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है ना, बराबर, सिर्फ क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को बैलेंस शीट का इंपैक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। 102 लाख्स, 102 लाख्स। तो यहाँ एक तरफ हम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डाल देंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, हम लोगों को 102 लाख रुपीज़ यहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा, ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ हमारे जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, ये करंट लाइबिलिटीज़ दिख रही है, हम इसे 102 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ देखिए फिगर्स मिलियंस में, मिलियंस में, तो मैं 102 लाख की जगह लिखूंगा 10.2 लाख। बताइए समझ में आया क्या? किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज़ अभी पूछिए। 10.2 लाख्स, किसी को भी कोई भी डाउट है अभी पूछिए। पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट समझाया मैंने आप लोगों को, ये एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, क्या बात है, वेरी गुड अर्जुन जी, वेरी गुड गौरी जी। ये पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट हो गया। तो अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर में आपने वारंटी सेल्स की बात की थी, तो गलती क्या हुई थी, हम वो गलती के ऊपर जाते हैं। गलती हुई थी कि सेल 850 का रिकॉर्ड हुआ था, बराबर। मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी, मैंने आपको कहा था कि ये एडजस्टमेंट करना है, ये एडजस्टमेंट करना है, यानी कि सेल को 17 लाख से कम करना है, सेल को 17 लाख से कम करना है, और कस्टमर लाइबिलिटी 17 लाख की दिखानी है। पहला एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है, सेल को 17 लाख से कम करना है, कस्टमर लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी 17 लाख रुपीज। बताइए बताइए समझ में आ रहा है क्या? रेवेन्यू 17 लाख, यानी 1.7 मिलियन लैक्स में है, 1.7 मिलियन कम करेंगे, और एक नया हेड बनेगा कस्टमर लायबिलिटी,
ठीक है। अब यहाँ तो करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, उसी के अंदर में दिखा देना चाहिए। मैं यहाँ पे फिलहाल अलग से लिख देता हूँ कस्टमर लाइबिलिटी। कस्टमर लाइबिलिटी के अंदर में हम ये 1.7 मिलियन दिखा देंगे, 1.7 मिलियन, ठीक है, 1.7 मिलियन। बताइए क्लियर है? बताइए बताइए। क्या और भी कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए? क्या और भी कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए रिलेटेड टू दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये 11.9 लाख रुपीस का भी कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए क्या? बताइए मुझे, व्हाट डू यू थिंक? क्या इसका भी कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए या बस हो गया? कस्टमर लाइबिलिटी क्यों अर्जुन जी? क्योंकि ये पैसा आपको रिफंड करना पड़ सकता है, इसीलिए कस्टमर लाइबिलिटी। आपने बोला ना 2% आप रिफंड करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर लाइबिलिटी आपको पता है आपको रिफंड करना पड़ता है, इसीलिए कस्टमर लाइबिलिटी, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है हाँ भाई। प्रोविजन, प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन अलग कहानी है। प्रोविजन इज गवर्न्ड बाय इंडियाज 37। अच्छा, आपने प्रोविजन बना के रखा था 5.1 लाख रुपीज का, बराबर बराबर, वो भी तो रह गया हमारा। आपने प्रोविजन बना के रखा था 5,10,000 रुपए का, उसका क्या? हाँ, वो प्रोविजन भी रह गया, प्रोविजन भी रह गया, बराबर। रुकिए रुकिए, चलिए प्रोविजन का भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। आपने प्रोविजन किया था, प्रोविजन आपके एडमिन एक्सपेंस में दिख रहा होगा, यही मान लेता हूं, और तो कुछ अभी हमारे पास है नहीं डेटा। तो मैं 5.1 लाख रुपीज से, 5.1 लाख यानी 0.51 मिलियन, ठीक है, 0.51 मिलियन यहां से कम कर दूंगा एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस 0.51 मिलियन कम कर दूंगा, एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। हमने प्रोविजन बना के रखा है, अब ये प्रोविजन भी कस्टमर लायबिलिटी में ही होगा क्योंकि इन्होंने अलग से कोई हेड ही नहीं बना के दिया हमको। तो हम इस कस्टमर लायबिलिटी में 0.51 मिलियन रिड्यूस कर देंगे। समझ गए क्या हुआ? क्या हुआ? एक तरफ एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ तो वहां कम हुआ, एक तरफ कस्टमर लाइबिलिटी डेबिट हुई तो यहां पे भी कम हुआ। बताइए ये समझ में आया क्या? हाँ अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया, मैं भूल गया था ये एडजस्टमेंट। प्रोविजन का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 5.1 लाख रुपीज का प्रोविजन बना के बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अब गौरी जी ने कहा कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, पहले प्रोविजन समझ गया क्या मुझे बताइएगा। देखिए हम जो भी बातें कर रहे हैं ये सब ट्रिकी है, ये बहुत कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स है, इसीलिए एक एक करके पूछते जा रहा हूँ। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा मुझे वहीं रोक देना, मुझे वहीं पे बोल देना सर ये वाली बात नहीं समझ में आई है, ठीक है। और मैं सब आपको बैलेंस शीट में ही दिखाते जा रहा हूँ, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स मैं बैलेंस शीट में ही दिखाते जा रहा हूँ। ये यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, $10.2 मिलियन माइनस 0.51 मिलियन, ठीक है। अब आप लोगों का कहना है सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, सीधी बात है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होगा, जब सेल कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होगा, तो 11.9 से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रहा है। 11.9 कहाँ पे है? ये रहा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को 11.9 यानी 1.19, हाँ 1.19 मिलियन से कम कर देंगे, 1.19 मिलियन, समझ में आया, 1.19 मिलियन। और इन्वेंट्री को 1.19 मिलियन से बढ़ा देंगे। ये बेसिकली इन्वेंट्री का एक सेपरेट हेड होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है, हम इन्वेंट्री में ही दिखा देंगे उसे 1.19 मिलियन। ये कहाँ प्रेजेंट करना है इसके लिए एक बार आंसर जरूर देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट के आंसर में इसका प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा कि कहाँ पर दिखाना है। अब हमारी आदत होती है हम जनरली इसको इन्वेंट्री में ही दिखा देते हैं, पर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली कहाँ जाता है इसके लिए, ये 1.19 का आप एक बार आंसर में देख लीजिएगा कि कहाँ एडजस्टमेंट होगा। बताइए समझ में आया? बताइए चलो। वापस पीछे जाते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 2 के हमने देखा तीन एडजस्टमेंट्स थे, तीन एडजस्टमेंट, एक सेल का एडजस्टमेंट था, एक प्रोविजन का एडजस्टमेंट था और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का एडजस्टमेंट था, ऐसे तीन एडजस्टमेंट्स हो गए। अब अगला देखते हैं, आपने सप्लाई एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया है 391 लाख रुपीज का आपने दिया था,
इसमें लिखा है कि पेड द फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और आपने उसे रेवेन्यू दिखाया है ड्राफ्ट अकाउंट्स में, पूरा 391 लाख को आपने ड्राफ्ट अकाउंट में रेवेन्यू दिखाया है, जबकि पूरा नहीं दिखना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। अब हम लोगों को थोड़ा डेट देखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का कितना पार्ट रेवेन्यू में चला गया। ये तो पूरा रेवेन्यू में चला गया, 312.8 पूरे तरीके से रेवेन्यू में चला गया। अब उसमें दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मेंटेनेंस है 5 साल का, 5 साल का, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जनवरी में, अपना ईयर एंडेड 31 मार्च, है ना, अपना ईयर एंडेड 31 मार्च। थोड़ा सा डेट्स का ध्यान दीजिएगा। मेंटेनेंस का कितना पार्ट रेवेन्यू में रिकग्नाइज हो गया, मेंटेनेंस का ये 78.2 का कितना पार्ट रेवेन्यू में रिकग्नाइज हो गया, बाकी हम लोग फिर एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, मेंटेनेंस का कितना पार्ट, 31 जनवरी को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेंटेनेंस का कितना पार्ट रेवेन्यू में रिकग्नाइज हो जाएगा? दो महीने। अर्जुन जी एग्जाम में ये गलती मत करना प्लीज़, 1 जनवरी है ना। अरे अरे अरे, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी, आप गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ। 31 जनवरी, दो महीने यार, मैंने गलत कर दिया। 78.2 2.607 लैक्स, है ना, 2.61 लाख। चलिए ठीक है, दो डेसिमल तक के ही रखते हैं। हाँ करेक्ट गौरी जी, 2.61 लाख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2.61 लाख। यानी बाकी का अमाउंट अब रेवेन्यू में से हटाना पड़ेगा। अब आप लोग बताएंगे मुझे मैं क्या एडजस्टमेंट करूं, बाकी का अमाउंट रेवेन्यू में से हटाना पड़ेगा ना, आप तो पूरा 391 रेवेन्यू में डाल चुके हैं, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे फटाफट बताइए। सभी लोग फटाफट बताने की कोशिश करेंगे मुझे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। 0.27 मिलियन, करेक्ट करेक्ट, हम बोल सकते हैं ये 0.27 मिलियन है। एडजस्टमेंट बताइए मुझे, एडजस्टमेंट बताइए। आप पूरा 391 रेवेन्यू में दिखा चुके हैं, ट्राई कीजिए प्लीज, आपको क्या लगता है कि एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए? हाँ एडजस्टमेंट बताइए। चलिए सभी लोग एडजस्टमेंट बताइए, बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट करूँ मैं? आप लोगों ने आंसर तो बता दिया मुझे, कैलकुलेशन बता दिया, हमको इतना पता है कि 0.27 मिलियन का रेवेन्यू रिकग्नाइज होना था आउट ऑफ 7.82 मिलियन, आउट ऑफ 7.82 मिलियन 0.27 का रेवेन्यू रिकग्नाइज होना था। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हम लोगों ने डिफरेंस का? रेवेन्यू में से रिड्यूस करेंगे कितना? अर्जुन जी कैलकुलेशन कीजिए प्लीज़, कैलकुलेटर लेके बैठिए अर्जुन जी, आप क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस नहीं बता रहे हैं, बाकी के लोग 75.5, क्या बात है। तो अपन अभी उसको 7.55 रखते हैं गौरी जी, बहुत बढ़िया। रेवेन्यू में से मैं 7.55 माइनस कर दूंगा, ठीक है, रेवेन्यू में से 7.55 मिलियन माइनस हो गया। ऑलरेडी पहले हम 1.7 मिलियन भी माइनस कर चुके हैं। चलो तो अब ये 7.55 मिलियन का दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा मुझे ये बताइए। 7.55 मिलियन का दूसरा एडजस्टमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट तो पूरी टैली होनी चाहिए, रेवेन्यू तो आपने रिड्यूस कर दिया, आपने बोला रेवेन्यू डेबिट, अब क्रेडिट क्या करूं? आप लोग ये बताइए कि क्रेडिट क्या होना चाहिए, 7.55 का आपने रेवेन्यू रिड्यूस करवा दिया, क्रेडिट क्या करूं? ठीक है सब लोग ये समझिए, आपने रेवेन्यू में पूरा 391 दिखा दिया था तो मुझे वो रिड्यूस करवाना पड़ेगा उतना अमाउंट, तो मैंने इसीलिए उतना प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू कम करवाया, सर्विस से रिलेटेड जो था उतना रेवेन्यू कम करवा दिया। कस्टमर लायबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, गौरी जी का कहना है, ठीक है। अब देखिए जनरली इसमें कस्टमर लायबिलिटी नहीं होती, इसको बोलते हैं डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम, ये कस्टमर लायबिलिटी होती नहीं, पर ठीक है मतलब दिखाना यहाँ पे है, अल्टीमेटली ये कहानी आप लोगों की सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रादर इसमें भी करंट नॉन करंट स्प्लिट होना चाहिए, आने वाले अगले 12 महीने का करंट में और बाकी का नॉन करंट में। मैं अभी स्प्लिट नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, स्प्लिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ये जो 78.2 है यानी 7.82, इसका 1/5 आने वाले 12 महीने में रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा, है ना, 1.564 ये करंट में जाना चाहिए और बाकी का नॉन करंट, इतना करंट में जाना चाहिए बाकी का नॉन करंट। अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ एडजस्टमेंट अभी आप लोगों को, बस ध्यान में रखिए ये एडजस्टमेंट ज़रूरी है, 12 महीने में कितना रेवेन्यू आपका ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है, फिलहाल मैं भी कस्टमर लायबिलिटी में ही लिखवा दे रहा हूँ पूरा का पूरा अमाउंट आप लोगों को 7.55। डेफर्ड इनकम भी करंट लायबिलिटी के अंदर में ही जाएगी, है ना, और करंट नॉन करंट स्प्लिट होगा। फिलहाल मैंने पूरा करंट में डाल दिया एक बार का, करंट नॉन करंट स्प्लिट होना चाहिए। अभी तो मैं आपको बैलेंस शीट टैली हो गई वो दिखा रहा था, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखिए करंट नॉन करंट स्प्लिट होगा। दूसरी गलती जो आप एग्जाम में कर सकते हैं, आप बोलेंगे 7.55 डिवाइडेड बाय 5, इतना करंट और बाकी का नॉन करंट। ये मत करना, ये मत करना। आने वाले 12 महीने में जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी उतना पार्ट करंट होता है, बाकी का नॉन करंट होता है, ठीक है। हाँ करेक्ट अर्जुन जी, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, क्वेश्चन ट्रिकी है पहले ही बोल रहा हूं, पर जीएफआरएस के स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत आप लोगों को लगेगी। अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जहां पे ईसॉप की बात हो रही है। ईसॉप से रिलेटेड कोई भी एंट्री अब तक के, नो एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड अंडर ईसॉप स्कीम, नो एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब शायद लास्ट ईयर की भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में कोई ईसॉप दिख रहा है क्या, तो बैलेंस शीट में हमको कोई ईसॉप नहीं दिख रहा, मतलब इनका कहना है कि ये लास्ट ईयर में भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, समझ रहे हो आप, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। एडजस्टमेंट बताइए, एडजस्टमेंट बताइए। आप लोगों ने मुझे दो अमाउंट्स बताए थे, एक ये अमाउंट बताया था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, 475 × 300 × 2/3 × 9.01 − 432 = 480। करंट ईयर बताया था 423 470, है ना। एडजस्टमेंट बताइए फटाफट, एडजस्टमेंट बताइए कौन कौन से अमाउंट का क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। 432 480 का क्या करें, 423 470 का क्या करें, दोनों का टोटल है। क्या मैं पूरा का पूरा एक्सपेंस करंट ईयर में ही दिखा दूं, क्या पूरा का पूरा एक्सपेंस 855 950 करंट ईयर में ही दिखा दें हम, 855 950 का टोटल हो रहा है, क्या पूरा का पूरा एक्सपेंस करंट ईयर में दिखा दें। सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए प्लीज, सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या पूरा का पूरा अमाउंट 855 950 हम करंट ईयर एक्सपेंस दिखा दें, या जो आप लोगों को ठीक लगे मुझे एडजस्टमेंट बताइए। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, 855 950 अदर इक्विटी में जाएगा, गौरी जी का कहना है, चलो ठीक है। देखिए एक तो यहां पे आपको एक ईसॉप रिजर्व बनाना पड़ेगा, एक तो यहां ईसॉप रिजर्व बनेगा जिसमें 0.85 लिख देता हूं मैं एक बार का, मिलियंस में, दो डेसिमल तक के हम दिखा रहे हैं, 0.85 मिलियन का ईसॉप रिजर्व दिखेगा, ठीक है। ये तो ईसॉप फिक्स है, ये रिजर्व पूरा दिखाना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। अर्जुन जी का कहना है थर्ड बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, नहीं अर्जुन जी, जब दो ही बैलेंस शीट है, थर्ड बैलेंस शीट के रिटेन अर्निंग पे इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, दो ही साल में ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो थर्ड बैलेंस शीट बना के क्या करोगे। थर्ड बैलेंस शीट तब बनती है जब कंपेरेटिव के भी पहले के साल का कोई एडजस्टमेंट है, यहां कोई है ही नहीं, ठीक है। चलिए माई स्टडी जी, एग्जाम पोस्टपोन हुई, एग्जाम्पल पोस्टपोन नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा सेशन एंड होने के बाद एक छोटा सा वीडियो लूंगा मैं, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस के लिए स्ट्रैटेजी, बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए। यहां पे ध्यान दीजिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जो एक्सपेंस दिखाएंगे पीएल में ईसॉप का यानी शेयर बेस पेमेंट का, वो पूरा नहीं दिखेगा, एरर था आपकी तरफ से, आप प्रीवियस ईयर में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से एरर है, ठीक है, ये आपकी तरफ से एरर है। तो 423 470 में 0.42 लिख देता हूं, 0.42 का एडजस्टमेंट यहां पे एक्सपेंस दिखेगा, 0.42 का आप एक्सपेंस दिखाएंगे, ये समझ में आया सबको, एरर है ना आपकी तरफ से। और कंपेरेटिव्स में एडजस्टमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रिटेन्ड अर्निंग में से प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था 432 यानी 0.43 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करूंगा, ये समझ में आया, रिटेन्ड अर्निंग में से 0.43 माइनस हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग में से 0.43 माइनस हो रहा है, और करंट ईयर में से 0.42 दिख रहा है, दोनों का टोटल 0.85 बराबर ईसॉप के अंदर में आ जा रहा है, बताइए क्लियर है क्या। तो प्रीवियस ईयर फिगर तो चेंज होंगे ही, हाँ अर्जुन जी बिल्कुल, प्रीवियस ईयर फिगर तो चेंज होंगे ना, प्रीवियस ईयर तो चेंज होगा ही, वो तो पक्का है, पर प्रीवियस ईयर फिगर उन्होंने दिया ही नहीं अपने को, अपने को जो बाजू में बैलेंस शीट दी है वो पीक्यूआर की दी है, वो सब्सिडियरी है, वो सब्सिडियरी है, ठीक है। चलो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। पॉइंट नंबर फाइव, किसी को भी पॉइंट नंबर फोर के एडजस्टमेंट नहीं समझे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। प्रॉफिट कितने से कम हुआ, क्या हुआ, उसका एक साथ एडजस्टमेंट हम लोग रिटेन अर्निंग के अंदर में दिखा देंगे। चलिए फिलहाल मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव, आपके पास इंपेयरमेंट था, हमने देखा इंपेयरमेंट का इंपैक्ट, ठीक है। 96 लाख का इंपेयरमेंट है, 96 लाख का इंपेयरमेंट है, 10.2 रिवैल्यूएशन सरप्लस से कहा था और 85.8 करंट ईयर के प्रॉफिट में से। तो एक तरफ मैं यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस लिख दूंगा, एक तरफ यहाँ इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा 8.58, इतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा 8.58। हाँ 8.58 ही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ये 96 लाख था और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है 10.2 मिलियन का, तो थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन में। पीएल में कुछ नहीं जाएगा, आपका टोटल पॉइंट, टोटल 9.6 का इंपेयरमेंट लॉस है, पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होगा, पूरा 9.6 रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट होगा। समझ गए, ये थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ किया है, 9.6 मिलियन हमने उसे लैक्स में पकड़ लिया था ना फिगर, तो ये थोड़ा सा आंसर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में से हम रिड्यूस करेंगे 9.6, पूरा ही रिड्यूस हो जाएगा, 10.2 का रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है, ठीक। 9.6 पीपीई में से भी कम हो जाएगा, 9.6 पीपीई में से भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओसीआई में दिखाया जाता है, यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाया हुआ है, इसके नीचे ओसीआई के अंदर में दिखाया जाता है, पर फिलहाल हम लोग नहीं लिखेंगे, इट डजेंट मेक सेंस, उसको लिख के वापस से रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट करना है ना, तो उसको दिखा के अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। बताइए ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया, पीपीई को 9.6 से कम किया और नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी 9.6 से कम कर दिया। अर्जुन जी पीपी दिखाया ना मैंने, हाँ चलो। तो यहां तक कि अपने पांचों पॉइंट्स का एडजस्टमेंट हो चुका है, पांचों पॉइंट्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। मैंने आपको हर एक एंट्री डबल एंट्री के तौर पे बता दी है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को आना चाहिए। मैं एक बार फटाफट प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता देता हूँ। रेवेन्यू हमारा 421.6 माइनस 7.55 माइनस 1.7 हो गया, यानी 412.35 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 136 माइनस 1.19 हो गया, यानी 134.81, ठीक है। इन दोनों का नेट इंपैक्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, 277.54, 277.54। अब इंपेयरमेंट लॉस माइनस होगा, शेयर बेस पेमेंट माइनस होगा, एडमिन एक्सपेंस 20.4 माइनस 0.51, ये 19.89 हो गया, 19.89। फाइनेंस कॉस्ट है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का लॉस है 10.2। तो यहां तक के मैं आपको प्रॉफिट इंपैक्ट बता देता हूं, यहां तक 277.54 था, ये देखिए 277.54 माइनस 8.58 माइनस 0.42 माइनस 34 माइनस 19.89 माइनस 17 फाइनेंस कॉस्ट, और माइनस 10.2 187.45। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 187.45, टैक्स एक्सपेंस 42.5, तो यहां तक 144.95। बताइए किसी को भी कोई डाउट है, 144.95 का प्रॉफिट आ गया हमारा, बताइए। अगर आप नेट देखेंगे तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने से कम हुआ या बड़ा, फटाफट बताएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना पूरा कंसेप्ट, 171.7 का प्रॉफिट दिख रहा था हमारे बुक्स में, हमने उसे 144.95 कर दिया, तो प्रॉफिट के ऊपर ओवरऑल इंपैक्ट कितना रहा है, प्रॉफिट कितने से बढ़ गया या कितने से कम हो गया, फटाफट सब लोग निकाल के बताएंगे, क्योंकि उसी का इंपैक्ट हमको बैलेंस शीट में लेना है। तब तक के मैं बैलेंस शीट के बाकी के फिगर्स निकाल रहा हूँ, आप लोगों के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। ये वाला फिगर हो जाएगा 440.9,
ये वाला फिगर हो गया 190.19, रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया 0.6, ईसॉप रिजर्व भी हम लोगों को कंसिडर करना है, 26.75 से प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए, 171.7 माइनस 144.95, 26.75 से प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। बहुत बढ़िया गौरी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो हमारा रिटेन अर्निंग दिख रहा है ना, रिटेन अर्निंग हम इसके अंदर इसका इम्पैक्ट ले लेंगे। तो 280.5 का रिटेन अर्निंग है, उसमें एक इम्पैक्ट तो 0.43 का आया ईसॉप का, और एक अभी आपने 26.75 का बताया, 26.75 ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखे तो ये हो गया 253.32। इसके अलावा और कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, 253.32। ठीक है, बताइएगा अर्जुन जी, टैक्स एक्सपेंस का एडजस्टमेंट उन्होंने इग्नोर करने बोला था, इसीलिए हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। उन्होंने बोला ही नहीं ना कि डेफर टैक्स का आपको ये एडजस्टमेंट कीजिए, इग्नोर टैक्स इम्पैक्ट बोला था, तो हमने पूरा इग्नोर कर दिया, जितना टैक्स है उतना ही रहने दिया हमने उसे, है ना। चलिए, करंट लायबिलिटी 49.3 में ऐड हुआ 10.2 और माइनस हुआ था 0.51, तो ये हो गया था 58.99। और कस्टमर लायबिलिटी दिख रही है 7.55 और 1.7 मिला के 9.25। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था 7.55 का आपको करंट नॉन करंट स्प्लिट करना पड़ेगा, हमने नहीं किया है। चलो, तो बैलेंस शीट के भी सारे एडजस्टमेंट्स रेडी है, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताइएगा। यहां तक मुझे 517.4 आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को भी यही आ रहा है क्या? ये हट गया, ये 190.19 कैसे आया था, 187 प्लस 1.19, ये 188.19 है, 188.19। तो 347.99, 865.39, ठीक है, 865.39। अब यहाँ पे ले लेते हैं, 255 प्लस 13.6 प्लस 253.32 प्लस 0.6 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, 0.585 का ईसॉप, ठीक है, प्लस 265.2, यहाँ तक का पेज का टोटल आया है 788.57 प्लस 9.25 प्लस 58.99, सब मिला के 856.81 आया। कुत्तों भी गड़बड़ हो गई हमारी तरफ से, एट पॉइंट फाइव एट का क्या था, 517.14 किसका टोटल है एग्जाम में, फर्स्ट ये XYZ की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एंड देन कंसो। हाँ गौरी जी, वैसे ही करना पड़ेगा। अब एक मिनट रुकिए, मैंने तो सारे एडजस्टमेंट्स बताए थे। अच्छा, ये इंपेयरमेंट लॉस 8.58 को मैंने PPE से माइनस नहीं किया, ये इसका डिफरेंस रह गया, इंपेयरमेंट लॉस 8.58 का यही डिफरेंस था बैलेंस शीट में, ये PPE में से माइनस करना रह गया था हमारा। नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस, एक मिनट, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है ये 8.58, इम्पेयरमेंट लॉस तो हमने पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस किया था ना। ये 8.58 क्या है, ठीक, गलती से माइनस कर दिया क्या हमने,
ये हमने माइनस कर दिया मेरे को लगता है, रुकिए प्रॉफिट वापस निकालता हूँ। 277.54 माइनस 0.42 माइनस 34 माइनस 19.89 माइनस 17 माइनस 10.2। हाँ ये प्रॉफिट ही गलत निकल गया, ये प्रॉफिट गलत निकल गया था, वो इम्पेयरमेंट लॉस मैंने माइनस नहीं किया था इसीलिए। चलिए 153.53 का प्रॉफिट है, यहाँ 153.53 के हिसाब से एडजस्टमेंट होना था। बैलेंस शीट में एग्जैक्ट उतने का ही डिफरेंस है 8.58, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो गलती से लेने में आ गया था, बाकी अपनी बैलेंस शीट में एग्जैक्ट उतना ही डिफरेंस दिख रहा था। अगर आप यहाँ तक का टोटल देखेंगे तो 856.81 आया था मुझे, 8.58 का ही डिफरेंस था, पीएल में गलती से ले लिया था, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलिए यहाँ तक समझ गया सब लोगों को, बड़े आगे यहाँ तक समझ गया। अब मैं कंसोलिडेशन करूंगा नहीं, मैं कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए जरूरी है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ चलो चलो, अब पीक्यूआर की बैलेंस शीट दी है और पीक्यूआर के बारे में डेटा दिया हुआ है। एक्स वाई जेड परचेज 6.8 मिलियन शेयर्स ऑफ पीक्यूआर, उस दिन का डेटा दिया हुआ है। सामने वाले के 27.2 मिलियन शेयर्स थे और आपने उसमें से 6.8 खरीदे थे, तो 6.8 को अगर मैं 27.2 से कंपेयर करूं तो 25% शेयर्स आपने खरीदे थे। 25% मतलब एसोसिएट होगी आपकी, है ना। ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड गुड्स टू एक्स वाई जेड वर्थ 25,50,000। अब ये जाने दीजिए, ये एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। हमारी बुक्स में ये एसोसिएट है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम पे दिखेगा, इक्विटी मेथड दिखेगा। जब हमने एंटिटी को अक्वायर किया था उस समय सामने वाले की रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस 30.6 और 1.7 थी, 30.6 और 1.7, है ना। अभी की बैलेंस शीट को कंपेयर कर लेते हैं, अभी की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग दिख रहा है 130.9, पीक्यूआर का रिटेन अर्निंग दिख रहा है 130.9 जो था पहले 30.6। तो इक्विटी मेथड के हिसाब से कितना एडजस्टमेंट हमने हमारी बैलेंस शीट में करना चाहिए, फटाफट बताएंगे सब लोग ट्राई करेंगे। 130.9 दिख रहा है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, 130.9 रिटेन अर्निंग दिख रहा है या 130.9, और यहां रिवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा है 5.1। तो मुझे फटाफट बताएंगे कि क्या एडजस्टमेंट हम लोगों को करना है यहां पे 5.1। बताइए इक्विटी मेथड लगाते समय हम लोगों को क्या एडजस्टमेंट करना है, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे प्लीज। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बहुत बढ़िया अर्जुन जी, 25.075 इक्विटी मेथड के हिसाब से हम लोग हमारे पीएल में भी बढ़ाएंगे, हमारे पीएल में और हमारे इन्वेस्टमेंट्स में 25.075 का एडजस्टमेंट होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गौरी जी, वेरी गुड अरुणा जी, क्या बात है। और उसी है रिवैल्यूएशन सरप्लसेस, उसी है, उसका एडजस्टमेंट कितना होगा वो भी बताओ, उसका भी तो एडजस्टमेंट करेंगे, इसका एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं करना है क्या, उसका एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए। क्या बात है, वेरी गुड, 0.85 रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे ओसीआई में 0.85 बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट में ही 0.85 बढ़ाएंगे, दोनों का दोनों एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो पीक्यूआर ने XYZ को गुड्स बेचे हैं 25,50,000 में, मतलब XYZ की इन्वेंट्री में दिख रहा है, आपकी एसोसिएट ने आपको गुड्स बेचा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपकी एसोसिएट ने आपको गुड्स बेचा है, इसका कॉस्ट था 17 लाख, तो सामने वाले ने इसके ऊपर कुछ 8.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, है ना, सामने वाले ने इसके ऊपर 8.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। अच्छा ये फिगर लैक्स, ये फिगर मिलियंस में है, हाँ ये फिगर मिलियंस में निकाले हमने, ध्यान रखना, तो ये जो प्रॉफिट है इसको भी मैं मिलियंस में कर देता हूँ, 0.85 मिलियन का प्रॉफिट कमाया सामने वाले ने। आगे बढ़ते हैं, XYZ had goods worth 20.4 lakhs in inventory, 20.4 lakh की inventory अभी भी आपके पास पड़ी है, 20.4 minus 25.5, यानी sorry 20.4 divided by 25.5
80% इन्वेंट्री अभी भी आपके पास पड़ी है, 80% इन्वेंट्री अभी आपके पास पड़ी है, आपको क्या लगता है कि इसका क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए? ये जो 80% है इसका क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए, प्लीज मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि 80% का हम लोग क्या करें। गौरी जी का कहना है कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, होगा एडजस्टमेंट, होगा। हमें अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ता है भले वो हमारी एसोसिएट क्यों ना हो, पर जितने गुड्स हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं उतने, जितने हमारी इन्वेंट्री में पड़े हैं उतने उतने का एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो कितने का एडजस्टमेंट होगा? 0.85 के 80% का, पर पूरे 80% का नहीं, क्योंकि 80% गुड्स अनसोल्ड है, उसमें हमारा शेयर ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, हमारा शेयर ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट 25%, 0.17। अब ये होल्डिंग सबसी को, होल्डिंग एसोसिएट को बेचे या एसोसिएट होल्डिंग को बेचे, दोनों में ऐसा ही एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, दोनों में ऐसा ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दोनों ही केस में यही एडजस्टमेंट होगा। जितना भी प्रॉफिट है उसमें से अनसोल्ड इन्वेंट्री 80% मल्टीप्लाइड बाय हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 25%, 0.17 का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होगा? फिलहाल एसोसिएट ने आपको बेचा है, फिलहाल एसोसिएट ने आपको बेचा है, तो आप इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट। रिटेन अर्निंग क्यों डेबिट हो रहा है? एक्चुअली ये वाला प्रॉफिट डेबिट हो रहा है, ये वाले प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। ये प्रॉफिट आपने पीएल में डाला ना, क्रेडिट किया था, तो ये वाला प्रॉफिट हम कम कर रहे हैं, ये वाला प्रॉफिट हम कम कर रहे हैं 0.172। इन्वेंट्री ध्यान रखिए, नॉट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, टू इन्वेंट्री, क्योंकि ये हमारे इन्वेंट्री में पड़ा है, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री में पड़ा है। एसोसिएट ने आपको बेचा तो ये गुड्स आपके पास इन्वेंट्री में पड़े। अगर वाइस वर्सा सिनेरियो होता, वाइस वर्सा यानी आपने एसोसिएट को बेचा होता, आपने एसोसिएट को, तो यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिखता, यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिखता। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान रखिए, उन्होंने आपको बेचा है इसलिए ये एडजस्टमेंट है। डेबिट दोनों केस में रिटेन अर्निंग, डेबिट दोनों केस में रिटेन अर्निंग, एडजस्टमेंट ऊपर वाला दोनों में कॉमन, चाहे आप उसको बेचे चाहे वो आपको बेचे, एडजस्टमेंट यही होगा जैसा हमने अभी किया। पर अगर उन्होंने आपको गुड्स बेचा है तो रिटेन अर्निंग डेबिट टू इन्वेंट्री, और अगर आप उसको बेचते हो तो रिटेन अर्निंग डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, बस ये एडजस्टमेंट करना है। समझ गए? बताइए, सबको क्लियर है? ये था हमारा केस स्टडी 10। ठीक है, नहीं अर्जुन जी, रिटेन अर्निंग डेबिट टू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेंट्री होगा। इंस्टीट्यूट ने जो अभी जो नई मॉड्यूल लॉन्च किया ना, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है, एक बार वो गो थ्रू कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कंसेप्ट। तो हम इन्वेंट्री में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में नहीं डालेंगे। अगर वाइस वर्सा सिनेरियो होता तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डालते हैं। ठीक है, चलो तो यहां तक के ये वाला पार्ट एंड करते हैं फिर अब। ठीक है, ये वाला पार्ट एंड करते हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट गलत नहीं दिखेगा अर्जुन जी, सामने वाले की इन्वेंट्री है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? उसके नेट एसेट्स होते हैं, उसके नेट एसेट्स का 25% आप अपने बुक्स में दिखा रहे हो, लॉजिक ही है, कंसेप्ट ही है। ठीक है, तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट गलत दिख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं दिख रहा, इन्वेंट्री गलत दिख रही है, इन्वेंट्री इन्फ्लेटेड दिख रही है, इसलिए इन्वेंट्री एडजस्ट हो रही है। अगर उसकी इन्वेंट्री में होता तो उसका इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट करते ना, फिर इन्वेस्टमेंट नेट एसेट्स गलत दिख रहे होते, लॉजिक वो है, कंसेप्ट।